नीट का एग्जाम देने के लिए रविवार को हमीरपुर जिला के 5 केंद्रों पर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे से ही युवाओं की लाइनें लगना शुरू हो गई तथा इनकी नियमित चेकिंग की गई। परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तथा फोटो सहित कुछ और ले जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पेन भी परीक्षा हॉल के अंदर ही उपलब्ध करवाए गए। वहीं पूरी पारदर्शिता के साथ नीट का एग्जाम आयोजित करवाया गया। हालांकि परीक्षा में भाग लेने का समय 2 बजे से लेकर 5:20 तक था, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश का दौर 11 बजे से ही शुरू हो गया। हमीरपुर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने लाइनों में लगना व निरीक्षण उपरांत परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल की बात करें तो 770 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। जिला में 5 परीक्षा केंद्रों में डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर, डीएवी पब्लिक स्कूल कांगू, डीएवी पब्लिक स्कूल आलमपुर, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और 7 स्टार स्कूल बनी शामिल है। जिला हमीरपुर में 2,905 छात्र नीट परीक्षा में पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 31 अनुपस्थित जबकि 2,874 उपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के अलावा मोबाइल जैमर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। आज 7 मई 2023 को नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 सेंटर्स में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एंट्री ऑफ रिस्किंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 11 बजे से बच्चों की एंट्री हो गई है। यहाँ हमारी टीम जो है एनटीए की रिस्किंग और एग्जामर्स की टीम पहुँच चुकी है और पेपर का समय 1:30 बजे तक बच्चों को एंट्री दी जाएगी, उसके बाद ये रोक दिया जाएगा। हमारे सेंटर पे यहाँ 770 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो आए हैं, टू बी एग्जैक्ट 768 यहाँ पार्टिसिपेट अपीयर कर रहे हैं। और इनके अलावा जो बाकी सेंटर्स हैं वहाँ टोटल नंबर 1,657 कैंडिडेट जो आज अपीयर हो रहे हैं 5 सेंटर्स हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के ये प्रक्रिया को आसान बनाया जाए ताकि वो आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकें और रिलैक्स।